अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज वाजिद खान। इस एक्सरसाइज में डंबल्स के साथ हम वर्कआउट करने जा रहे हैं एट होम। कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए, ओनली पेयर ऑफ डंबल चाहिए। ओके, तो सबसे पहले जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो है गॉबलेट स्क्वाट। गॉबलेट स्क्वाट के लिए अपने अपने जो है वो लेग्स अपार्ट, डंबल को यहाँ से पकड़ना है, यहाँ पे आपकी जो है चिन के सामने, और सुमो स्क्वाट की तरह ये 15 सुमो स्क्वाट की जो पोजीशन है उसी में हम 15 टाइम्स करें। 4 5 6 मेक श्योर आपका जो वेट है आपकी हील्स पे है। राइट, 10 11 12 13 14 15। और एक गाइस, ये थे हमारे गॉबलेट स्क्वाट्स। जो सेकंड एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं वो है रशियन ट्विस्ट विद डंबल। ओके, ये जो है वो मोर फोर्स करेगी हमारे ओब्लिक्स को। ठीक है, इसके लिए हम डंबल्स के लिए यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से डंबल पकड़ा। आप डिफरेंट तरीके इस तरह पकड़ते हैं, लेग स्ट्रेट, ये 20 रेप्स, 3 लेग स्ट्रेट, कोर जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये 11 12 13 17 18 come on guys, 20 alright guys, ये थी रशियन ट्विस्ट विद डंबल। हमारी थर्ड एक्सरसाइज विद डंबल वो है लंजेस, लंजेस विद डंबल्स। ओके, इसके लिए आपको ये अपनी लेग्स कंप्लीटली पीछे ले जानी है, ये विल डू 20 टाइम्स। 4 मेक श्योर आप जो है अपनी लेग्स कंप्लीटली पीछे लेके जा रहे हैं और आपका कोर स्ट्रॉन्ग है। 9 11 12 Come on guys, hopefully you can do it. 19 20 Alright guys, here's my third exercise, lunges with dumbbells. Right now we are going to do bicep curls. Okay, bicep curls के लिए नहीं अपने feet को आपने join कर लेना है, leg straight, core strong, यहाँ पे जाके 20 एक साथ ऊपर आ रही है, ये देखिए dumbbells, 6 इसमें मेन चीज आपने ये फोकस करना है आपका कोर स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, आपका कोर आपको पीछे जाने से रोके। ठीक है, आपने ये नहीं करना, ये ऐसे नहीं करना, पूरी फॉर्म फुल फॉर्म के साथ। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, अपनी क्वालिटी के लिए क्वांटिटी को सर्वाइव नहीं करना, ऑलवेज फोकस ऑन योर क्वालिटी। ओके, ये बहुत अच्छा है कि आप कम रेप्स करें अच्छी फॉर्म के साथ, बजाय इसके आप बहुत ज्यादा रेप्स कर रहे हैं बैड फॉर्म के साथ। ओके, ऑलराइट गाइस, दिस वाज आवर फोर्थ एक्सरसाइज bicep curls. Alright guys, हमारी fifth last exercise with dumbbells है chest flies. Chest flies के लिए आपने ये नीचे चले जाना है, exactly यहाँ पे। अब आपने ये 1 ये dumbbell को touch करना है ऊपर ला के, आपने यहाँ से आप नीचे बैठ के ये chest flies के लिए, ठीक है, ये आपने आगे dumbbells को touch करना है यहाँ, फुली आपने नीचे लाना है, फुली ऊपर, ताकि जो है वो चेस्ट में जो है वो असर पड़े। ठीक है, ये ये
ऑलराइट गाइस, ये हमारी फिफ्थ एक्सरसाइज विद डंबल्स एट होम। ये वर्कआउट आप जो है वो घर पे कहीं भी कर सकते हैं, ओनली यू नीड वन पेयर ऑफ डंबल्स। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।